और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। प्रजापति डॉक्टर साहब का भी आने से बुंदेलखंड में एक पार्टी का कद भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। मैं सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो तो लखनऊ से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप। आज कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और साथ ही साथ मीडिया को संबोधित भी किया। कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के दलबदल का सिलसिला जारी है, इसी कड़ी में कई नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कुछ और नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने प्रचार को रोक दिया है। भारी भीड़ के चलते अमित शाह ने अपने प्रचार को रोक दिया है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने प्रचार रोक दिया है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर अमित शाह अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अमित शाह ने प्रचार रोक दिया है। चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लिहाजा अमित शाह ने चुनाव प्रचार को रोकने का फैसला किया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो उसका पालन किया जाए, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन हो पाए ये सुनिश्चित किया जा सके, और इसी के चलते अमित शाह ने फैसला लिया है, उन्होंने अपना प्रचार रोक दिया है। भारी भीड़ जनसंपर्क अभियान के दौरान जुट रही थी, लेकिन अमित शाह का यह मानना है कि इससे कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से जो परमिशन दी गई है उसके तहत ही चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, लिहाजा अमित शाह ने यहां पर प्रचार को रोकने का फैसला किया है। देवबंद में अपने चुनाव प्रचार को अमित शाह ने रोक दिया है। देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे, इस दौरान प्रचार अभियान के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसको देखते हुए अमित शाह ने अब ये फैसला किया है कि फिलहाल वो चुनाव प्रचार अभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन करना होगा और सभी राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित भी करना होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने संदेश भी दिया है बाकी नेताओं को, बाकी राजनीतिक दलों को, कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है, चुनाव प्रचार करिए, जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाइए, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाइए, लेकिन इन सब के बीच ये मत भूलिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और देवबंद में जब अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल वो प्रचार को रोक रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात यहाँ बन गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, भाजपा कार्यकर्ताओं बहुत ज्यादा उत्साह था, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक एक कदम आगे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने अपना डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम तो शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, कोरोना नियमों का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। तो उसके चलते उन्होंने ये फैसला किया कि अब आगे अपना डोर टू डोर कैंपेन जो है देवबंद में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और उसके चलते ही थोड़े से दूरी पर ही डोर टू डोर कैंपेन करके उन्होंने अपना कैंपेन वापस लिया और यहाँ से अब आगे के कार्यक्रम के लिए निकल गए हैं। अच्छी बात है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो पाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है गृहमंत्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अमित शाह देवबंद में थे और चुनाव प्रचार के दौरान जब भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई तब उन्होंने अपना प्रचार रोक दिया है, ये कहते हुए कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना और करवाना बहुत जरूरी है। कितना सहमत हैं आप इस फैसले के साथ और कितना बड़ा संदेश है बाकी नेताओं के लिए, बाकी पार्टियों के लिए कि ये करना बहुत जरूरी है? अमित जी, अगर आपको जानकारी हो तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के कार्यक्रम में एफआईआर दर्ज हुई थी
उसके बाद अमित शाह जी के जितने भी कार्यक्रम हुए जिस दिन से इन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, हर दिन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि एक बड़ी चोरी करके एक छोटा छोटा सा मुशायरा पेश कर देती है। 5 दिन आपने उल्लंघन किया और उसके बाद एक दिन आपने ऐलान कर दिया कि भैया भीड़ ज्यादा होगी इसलिए हम प्रचार नहीं करेंगे। तो ये चुनाव आयोग को पहले दिन से देखना चाहिए कि कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी है, कोई भी नेता है, कोई भी देश से आगे नहीं है, कोई भी चुनाव आयोग से बड़ा नहीं है, किसी के भी रैली में, किसी के भी चुनाव प्रचार में अगर नियमों की अनदेखी की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। इन्होंने खुद एडमिट कर दिया भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब भीड़ ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देश के गृहमंत्री ने अगर मान लिया कि हमारी रैली में भीड़ बहुत ज्यादा थी, अब हमें रोकना पड़ेगा, इसका मतलब कि अब चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग इस भीड़ पर क्या कार्रवाई करता है, अमित शाह जी पे क्या कार्रवाई होती है, बाकी जो लोग वहां पे जमा हुए थे उन पे क्या कार्रवाई होती है, तब ये पता चलेगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता भी देखने को मिलेगी और अमित शाह जी ने जो पिछली रैलियां की या जो पिछले बार कैंपेन किया 3-4 दिन से, उन 3-4 दिनों में भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था, रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी चुनाव आयोग का रिएक्शन करता है। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि इससे पहले भी तो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था, 5 दिनों तक खूब प्रचार प्रसार किया, भीड़ जुटाई और अब कह दिया कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से प्रचार रोक रहा हूं। देखिए समाजवादी पार्टी की लगातार ये हताशा और निराशा को ये दिखाता है, ये लगातार सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं, कभी पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं, कभी मीडिया पर आरोप लगाते हैं, अभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 10 मार्च को 12 बजे के बाद दोपहर में ईवीएम को दोष देंगे, चुनाव आयोग को दोष देंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगातार वेस्ट यूपी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जन समर्थन मिल रहा है, ये लोग हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे थे कि हमें समर्थन नहीं मिला, वेस्ट यूपी हमारी हाल खराब है। आप देख लीजिए जनता उमड़ रही है अमित शाह जी को देखने के लिए उनके 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 रोड शो में, लेकिन उसके बावजूद जो कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा था उसको उन्होंने मानते हुए, चुनाव आयोग के सारे निर्देशों को मानते हुए अपनी यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हम तो लगातार नियमों का पालन कर रहे हैं और अखिलेश जी कभी ओपिनियन पोल पे सवाल उठा देते हैं, वो तो ओपिनियन पोल गलत दिखा रहे हैं, ओपिनियन पोल तो वही दिखाएगा जो जनता का मूड है, मीडिया भी वही दिखाएगा जो खबर है। अब आपके लोग जो कर रहे हैं तो मीडिया दिखाएगा, लेकिन हताशा में और निराशा में इस तरह की चीजें ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ने उनका ये कहना है कि अमित शाह जब कैराना में थे, जब मथुरा में थे, वो ग्रेटर नोएडा में थे, तब आपको ये भीड़ दिखाई नहीं पड़ी, आज आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, उन्होंने सवाल ये किया था। अनिल दुबे, अमित शाह ने अपना प्रचार रोक दिया है, लेकिन क्या बाकी नेताओं की तरफ से, बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है क्या? देखिए हम लोग तो कोविड गाइडलाइन का पालन कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है, हमारा गठबंधन कर रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके जो भी नेता घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता घूम रहे हैं, प्रदेश के नेता घूम रहे हैं, वो सब सरकारी अमले के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को लेकर के भीड़ भाड़ के साथ वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और वो खुलेआम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज उन्होंने जरूर अपना प्रचार रोकने की बात करी है, लेकिन पिछले दिनों से तो लगातार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था, जबकि चुनाव आयोग के इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग तो केवल विपक्ष के ऊपर निगाह लगा रहा है कि विपक्ष के लोग कहाँ कर रहे हैं, लेकिन सरकारी पार्टी को तो रोकने का कोई काम हो नहीं रहा है। धर्मेंद्र यादव, क्या बहुत साफ तरीके से कार्यकर्ताओं तक या फिर समर्थकों तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया है क्या कि क्या गाइडलाइंस जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, कैसे उसका पालन करना है, कितने लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है? क्योंकि अगर नेता इस बात को समझ रहे हैं, उनकी तरफ से बयान भी सामने आ रहा है कि भैया पालन करना चाहिए, हम पालन कर रहे हैं, और कार्यकर्ता और समर्थक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या उनमें दुविधा की स्थिति है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल तक, टॉप से लेकर के बूथ लेवल तक, हर किसी को जो आपके इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कोविड को लेकर के, सारी जानकारी हम लोगों ने हर एक माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने पदाधिकारियों को हमने भेज दी है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता या जनता है, इसका नियम के बारे में जानकारी नहीं, जानकारी सबको है। आज सवाल ये उठता है कि जो अमित शाह जी ने एक उदाहरण बता रहे पेश किया है, थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे, ये भी पूरे मीडिया के कैमरे में कैद है, तो मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जो थूक लगा के पर्चा बांटने वाला था उस पर भी कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि थूक लगा के पर्चा बांटना सबसे ज्यादा कोरोना को स्प्रेड करने वाली बात है।
तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी ये है कि अगर ये अकेले जाते हैं तो जनता भगा देती है इनको, तो ये अकेले ना जाकर के डर के मारे पूरी सिक्योरिटी लेकर जाते हैं। अभी आपने देखा स्वतंत्र देव सिंह को भगाया गया, स्मृति ईरानी जी को भगाया गया, तो इनके जितने बड़े नेता जेपी नड्डा साहब गढ़मुक्तेश्वर में आए थे तो वहां पर इनकी यही स्थिति थी। तो अगर ये अकेले जाते हैं तो जनता इनको भगा देती है, अभी मजबूरी भीड़ लेके जाते हैं तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने लगता है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है क्योंकि जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े जुमले फेंके, आज वो धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे कोई इनका जनप्रतिनिधि कोई प्रत्याशी अकेला दिख जाता है तो पूरी जनता घेर लेती है और उसे सवाल करने लगती है। अब एक आदमी पे 50 लोग सवाल जब करेंगे तो वो डर जाता है, फिर वो जा नहीं सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को लगाया है कि पूरा सरकारी अमला रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता देता हूं कि अगर बिना सिक्योरिटी के इनके जितने केंद्रीय नेता बड़े हैं या उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, बिना सिक्योरिटी के अगर किसी विधानसभा में चले जाएं तो इनको प्रचार नहीं करने देंगे, लोग भगा देंगे। तो उससे बचने के लिए इनके पास एक रास्ता बचता है कि अपनी पूरी सरकारी अमले का इस्तेमाल करें। अगर सरकारी अमला छोड़ते हैं तो जयंत चौधरी को भगा देती है। क्या किया था वो तस्वीर भी तो देखी होगी ना आपने, धर्मेंद्र यादव, आपने ये भी तस्वीर देखी होगी जयंत चौधरी जी के ऊपर जब लाठियां भजवाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो किस वजह से भजवाई थी आपने, आपको ये बात पता होगी। आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि अभी प्रयागराज में छात्रों के लॉज के ताले तोड़ करके और बट से पुलिस ने मारा है, आपने ये भी देखा होगा। तो आज जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो तानाशाही रवैया है उससे एक एक आदमी उत्तर प्रदेश का, वो चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई और भी हो, चाहे व्यापारी हो, सब परेशान है। आपने देखा होगा कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में एक महिला प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके पेट पर लाठी मार दिया पुलिस ने। तो ये संवेदनहीनता जिस तरह से दिखा रहे हैं उसी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको उनके गांव में जब जाते हैं तो वही जवाब वो भी देने का काम करती है। ठीक है, जवाब तो उससे डरे हुए हैं पूरी तरह से। तो अब भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय में इस तरह से बौखलाहट दिखने को मिल रही है। ठीक है प्रशांत उमराव, ये सरकार का आखिरी समय आ रहा है, इस वजह से बौखलाहट दिख रही है, धर्मेंद्र यादव का कहना है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इसलिए हमारे पक्ष में जन समर्थन निकल रहा है। और कल अखिलेश जी का ताज होटल में कार्यक्रम था, इनके सुरक्षा कर्मियों ने, अखिलेश जी के सुरक्षा कर्मियों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही पीटा है। वहां पर इनको कोविड नियम नहीं दिख रहे थे। ठीक है, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बागपत चलते हैं जहां पर सीएम योगी इस वक्त कार्यक्रम को